आज का हमारा टॉपिक है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पर हम लोग कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के समाकलन को प्रूफ करेंगे और उन्हीं के सहायता से हम लोग अगली प्रश्नावली में क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए कुछ फॉर्मूले हैं, इनको प्रूफ करते हैं। पहला देख रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है किसका, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। चलिए तो इसे, इसका जो समाकलन होगा यह होगा, ये हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। चलिए अब मैं देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लेता हूं इंटीग्रेशन dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना दिया है, बराबर में मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो मैं 2 से भाग करता हूं, 2a से भाग कर देता हूं और 2a से ऊपर गुना कर देता हूं। ठीक है, अब सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों किए, 2a से भाग किया और 2a से गुना किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। 1 बाई 2a मैं ऊपर जो है ना, यहां पर ऊपर 2a के जगह पर लिख देता हूं x प्लस ए और माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, देख लो ऊपर सॉल्व करोगे, अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये माइनस वाई प्लस ए ए टू ए आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा कि नहीं। और नीचे वाले को भी एक बार माइनस प्लस में लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए और इनटू में एक्स प्लस ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहां पर, x प्लस ए बटा में x माइनस ए इंटू में x प्लस ए dx, और फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, इंटीग्रेशन देकर x माइनस ए बटा में x माइनस ए इंटू में x प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए यहाँ कुछ कटेगा, x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, यहाँ देखो ना x प्लस ए से x प्लस ए कट गया, यहाँ बचा 1 बाई 2a इंटीग्रेशन है, ये ब्रैकेट में दे देते हैं, 1 बटा में x माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस ए डी एक्स। अब दोनों का यहां पर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, क्या हो जाएगा 1 बाई 2a ब्रैकेट के अंदर इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log x माइनस ए। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस ए, और फिर प्लस में बाहर सीधे दिए, माइनस में है लॉग में तो डिवाइड में चले जाएंगे ना, तो यहां हो जाएगा 1 बाई 2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए, ये और प्लस में सी, ये आपका इंटीग्रेशन निकल के आएगा। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इंटीग्रेशन अगर निकालना हो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो होगा 1 बाई 2a log x माइनस ए और बटा में x प्लस ए प्लस सी, समझ गए ना। तो ये आप फॉर्मूला याद रखोगे, आगे हम लोग एक्सरसाइज में इसी पर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रूफ की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एज ए फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। इंटीग्रेशन dx बटा में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लगभग इसी के टाइप का है, तो यहां भी जैसे मैंने इसमें इंटीग्रेशन किया था उसी तरह यहां भी करने वाला हूं। तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, 2a से भाग और 2a से गुना कर दूंगा। ठीक है, नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख देता हूं, 1 बाई 2a। अच्छा, नीचे जो आप इसका फैक्टर करोगे तो a माइनस एक्स और इंटू में a प्लस एक्स हो जाएगा, तो हमें इसी के हिसाब से ऊपर भी रखना होगा, इसी के हिसाब से ऊपर भी रखना होगा। तो मैं क्या करता हूं, 1 बाई 2a इंटीग्रेशन, ऊपर जो है ना मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स, देख लो इन दोनों को जोड़ूंगा, देखो नीचे वाला ही मैंने लिया है, जोड़ूंगा तो देखो x से x कट जाएगा, a टू a हो जाएगा ना, और नीचे जो है आपका वैसे लिख देते हैं a माइनस एक्स इंटू में a प्लस एक्स, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2a, फिर ब्रैकेट यहां देते हैं और फिर इंटीग्रेशन देते हैं, a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स इंटू में a प्लस एक्स डी एक्स, फिर प्लस प्लस दे देते हैं इंटीग्रेशन देकर, a माइनस एक्स बटा में a माइनस एक्स इंटू में a प्लस एक्स डी एक्स, यही ना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a माइनस एक्स कट जाएगा,
यहाँ a प्लस एक्स कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2a। अभी अगले स्टेप में क्या जो बचा है पहले लिख देते हैं 1/a-x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/a+x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2a यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो माइनस यहां भी लगा दो और यहां भी लगा दो, तो माइनस का क्या हो जाएगा लॉग a माइनस एक्स। समझ गए ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर माइनस वन है, क्योंकि इसीलिए मैंने दोनों जगह माइनस लगाया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर वापस वही आ जाएगा और हमारा काम भी निकल गया। प्लस इसका क्या हो जाएगा लॉग a प्लस एक्स और प्लस में c। समझ गए, तो यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में, तो डिवाइड में चला जाएगा माइनस वाला प्लस वाले के। 1/2a लॉग क्या हो जाएगा a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स और प्लस में c। तो हमने यहाँ देखा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इस तरह से रहेगा, तो हो जाएगा 1/2a लॉग a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स प्लस सी। समझ गया ना, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा प्रूफ देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे विद्या होगा, हम इसमें पुट करेंगे x बराबर में a tan थीटा, तो यहां से आपका थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले निकाल लोगे तो ठीक रहेगा। थीटा का वैल्यू यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x बटा में a, समझे ना, ये भाग में आया और tan इनवर्स हो गया इधर। चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा dx बटा में d थीटा बराबर में यहाँ tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ये d थीटा उधर ले जाओ तो dx बराबर में हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा g थीटा। चलिए अब देखते हैं, ऊपर आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा dx की जगह पे, और नीचे देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर है, यानी हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर। समझे ना बात को, x की जगह मैंने रख दिया a tan थीटा स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग गया। नीचे कुछ कॉमन है क्या, a स्क्वायर कॉमन है, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटा में नीचे a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में वन। तो देखो ना एक a से एक a कट जाएगा, तो बाहर निकाल देता हूं कॉन्स्टेंट को, 1/a ऊपर है sec स्क्वायर थीटा और नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका sec स्क्वायर थीटा ही होगा, d थीटा कट जाएगा। अब d थीटा का क्या हो जाएगा यहां से, d थीटा का क्या हो जाएगा यहां से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा थीटा, यानी 1/a थीटा प्लस में c। तो थीटा का वैल्यू यहां पे रख दो, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x / a है, यानी हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x / a। ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx / में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। समझ गए, तो ये भी फॉर्मूले के तौर पे आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रूफ की ओर। चलिए अगला प्रूफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx / √x²-a² का है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना, तो यहां भी पुट करके बनाएंगे। चलिए तो यहां मैं पुट कर देता हूं, x से जाकर क्या पुट करेंगे a sec थीटा, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल लो, या आप sec थीटा का वैल्यू ही निकालो ना, sec थीटा बराबर है x बटा में a, sec थीटा का वैल्यू क्या है x बटा a है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बटा d थीटा बराबर में हो जाएगा a sec थीटा का, क्या होता है sec थीटा tan थीटा, यानी कि dx बराबर में आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए ऊपर आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा और नीचे आपका रूट अंडर x के जगह पे क्या आएगा a sec थीटा, यानी कि आ जाएगा स्क्वायर है तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस का a स्क्वायर। चलिए ऊपर है a sec थीटा tan थीटा बटा में d थीटा, यहां कर देता हूं, अंदर से a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन। चलिए अब आगे देखते हैं, ऊपर है a sec थीटा tan थीटा, और देखो यहाँ नीचे से ये स्क्वायर से रूट हटेगा ये बचेगा,
और रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना जी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी tan थीटा बचेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर d थीटा, समझ रहे हैं ना बात को, तो यहाँ क्या क्या कटेगा, tan थीटा कट जाएगा, a से a कट जाएगा, sec थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log sec थीटा प्लस में tan थीटा, और प्लस में मैं एक कॉन्स्टेंट k ले लेता हूँ, ठीक है। अब k क्यों ले रहा हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा, कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। अब मैं sec थीटा का यहाँ वैल्यू रखता हूँ, लेकिन tan का तो नहीं है, तो tan को पहले sec में बदल लेता हूँ यहाँ पर। चलिए, log sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, और प्लस में k, log sec थीटा का वैल्यू क्या है, तो sec थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे ऊपर x बटा a है, तो x बटा a रख देते हैं, x बटा a प्लस रूट अंडर यहाँ देखिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये sec थीटा sec स्क्वायर है यहाँ पर, चलिए, और माइनस वन प्लस में की। अब चलिए, अब क्या करते हैं, यहाँ अंदर एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा log x बटा a प्लस रूट अंडर, एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में के, रूट से बाहर निकलेगा ए ही हो जाएगा, हो जाएगा लॉग एक्स बटा ए प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में आपका ए प्लस में के। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, लॉग यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा ए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में के, ये डिवाइड में तो माइनस में चला जाता है ना लॉग, चलिए तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का लॉग ए प्लस में की, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ना, ये माइनस का लॉग, ये भी कॉन्स्टेंट है और के भी कॉन्स्टेंट है, तो मैं यहां लिख दूंगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी, सी किसे मान लूंगा, तो लिख दूंगा जहां सी बराबर में है, यहाँ सी जो कॉन्स्टेंट है किसके बराबर है, के माइनस लॉग ए के, यानी इसको मैंने पूरे को कॉन्स्टेंट सी मान लिया, यानी कि हमें पता चल गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो तो उसका हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में कॉन्स्टेंट सी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला पांच नंबर देखते हैं, पांच नंबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है, मैं इसमें पुट करूंगा एक्स के जगह पर ए साइन थीटा, और मैंने ये बता रखा है आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि इस तरह का रहता है कहीं सी फंक्शन में, तो वहां पे एक्स के जगह ए साइन थीटा आप पुट करेंगे, आपको पता है, या ए कॉस थीटा मैंने बता रखा है। चलिए यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर पूछू, थीटा का वैल्यू या साइन थीटा का ही वैल्यू, तो क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू एक्स बटा ए हो जाएगा। चलिए अब इसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस, ये जाके उधर गुणा करेगा तो डी एक्स बराबर में ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। चलिए यहां रखते हैं, ऊपर ए कॉस थीटा डी थीटा और नीचे देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने एक्स की जगह पे ए साइन थीटा रख दिया, नीचे आपका ए स्क्वायर कॉमन होगा ए कॉस थीटा डी थीटा और नीचे अंदर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, और नीचे आपका रूट अंडर ए स्क्वायर या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ऊपर आपका a cos थीटा है और नीचे भी आपका a cos थीटा ही होगा d थीटा, ये कट गया वन बार में तो वन का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस में c, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू और निकाल लो तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से साइन इनवर्स x बटा में a, यानी कि हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटा में a प्लस c, यानी अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो dx by root under a square minus x square का, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसका सीधे फॉर्मूला हो जाएगा sin inverse x by a plus c। ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन होता है ना उसमें x के जगह कोई कोई वेरिएबल वाला
कोई भी दे सकता है पॉलिनोमियल या कुछ भी दे सकता है वेरिएबल वाला, और ए स्क्वायर जो दिया होगा ना वो कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए, तो इसको कॉन्स्टेंट जो दिया होगा वो मानेंगे और जो वेरिएबल के साथ दिया होगा वो आपको एक्स मानेंगे, समझ गए ना। अभी आगे मैं बताऊंगा, पहले फॉर्मूला प्रूव करा लेने दो। चलिए अगला भी 6 नंबर भी उसी टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे x के जगह पर a tan थीटा, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा x बटा में a। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से हो जाएगा dx बटा में d थीटा बराबर में a tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो dx बराबर में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऊपर आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और बटा में रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे आ जाएगा आपका a tan थीटा यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में a स्क्वायर, नीचे स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ऊपर आपका हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और बटा में अंदर a स्क्वायर कॉमन करेंगे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे यहां पर सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटा में नीचे रूट के अंदर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा नीचे, a sec स्क्वायर थीटा बटा में a sec थीटा d थीटा, तो एक sec से एक sec गया, a से a गया, तो एक sec थीटा बच जाएगा, एक sec बच जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा, इंटीग्रेशन कर दिए और प्लस में एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूं, मान लो कि सेम उसी तरह से यहाँ पे sec थीटा का हमारे जो क्वेश्चन में है ऊपर हमने जो यहाँ पे लिखा है tan थीटा का वैल्यू x बटा a लिखा है, तो पहले sec को बदलना होगा, sec को बदलना होगा tan के फॉर्म में। चलिए देखते हैं, log tan थीटा को पहले लिख लेते हैं और इस sec को tan में बदल देते हैं, तो sec थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना जी। चलिए sec थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब tan थीटा का वैल्यू क्या है आपका x बटा a है, चलिए 1 प्लस x बटा a, x का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर कर देते हैं, समझे ना, अब अंदर LCM ले लेते हैं, log x बटा a प्लस रूट अंडर यहाँ LCM होगा a स्क्वायर, यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक ही बात है। चलिए अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा log x बटा में a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा में a प्लस के, एलसीएम ले लेते हैं, log यहाँ एलसीएम लेंगे a हो जाएगा x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस में कॉन्स्टेंट के, तो ये डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा ना जी, लॉगरिथम है तो log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में log a और प्लस में के, तो ये सारे को कॉन्स्टेंट सी कर लेते हैं, log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में c, जहां c किसके बराबर है, जहां c बराबर है k माइनस log a के, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, dx बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, यही ना आपका फॉर्मूला हम लोग देखें। चलिए तो इसको भी मैंने प्रूव कर लिया, तो यही 6 फॉर्मूले हैं और इन्हीं के आधार पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है। चलिए तो आने वाले एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो इस तरह से हो सकता है dx बटा में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या एक इस तरह से हो सकता है dx बटा में रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह से आपका एक द्विघात बहुपद डिनोमिनेटर में रूट में होगा या रूट से बाहर होगा, इस तरह से दिया होगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे हमको क्या करना होगा कि ये जो नीचे वाला दिया है ना इसको गुणनखंड करके या तो हमें क्या करना होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होगा या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी हमें तीन फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन तीनों में से किसी फॉर्म में चेंज करना होगा गुणनखंड करके, हर का गुणनखंड करके हमें इन तीनों तरीके में से किसी भी फॉर्म में हमें चेंज करना होगा, चाहे रूट में हो या नहीं हो।
और उसके बाद जो हम लोग फॉर्मूला देखे है ना उन्हीं फॉर्मूले का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन होगा जो शुरू में दिया गया है। ठीक है, इन दोनों टाइप के ही क्वेश्चन दिए होंगे शुरू में, और उसमें करना क्या होगा कि हमें इस नीचे जो भी हर में दिए गए हैं, या चाहे रूट के अंदर हो चाहे बाहर हो, हमें उसका गुणनखंड करके दो चर और अचर के वर्गों के योग या गुणनफल के योग या अंतर के रूप में बदलना होगा, है ना। चर और अचर के वर्गों के अंतर या योग के रूप में हमें बदलना होगा। ठीक है, तब हम लोग उसका इंटीग्रेशन के लिए जो अभी फॉर्मूला प्रूव किया है उनका प्रयोग करेंगे। तो हमें नीचे वाले को गुणनखंड करके ही बनाना है, नीचे वाले को गुणनखंड करके इन सभी फॉर्म में चेंज करके, और जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे, जो अभी हमने 6 फॉर्मूला देखा था, हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। समझ गया। दूसरा टाइप जो इस एक्सरसाइज में दिया है उसमें कुछ इस तरह से भी हो सकता है, पी एक्स प्लस क्यू बटा में ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या ऐसे भी हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में, इन दोनों रूप में हो, इन दोनों में से किसी भी रूप में हो, तो हमें क्या कर लेना होगा, मान लेना होगा पी एक्स प्लस क्यू यानी कि अंश में जो दिया होगा उसके बराबर में ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ हर का, हर का डेरिवेटिव निकाल देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर प्लस में भी, पहले इस तरह से करना होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे पी एक्स प्लस क्यू बराबर में ए इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू ए एक्स और प्लस में बी और प्लस में बी, फिर यहां पर पी एक्स बराबर में क्यू बराबर में यहां क्या हो जाएगा टू ए ए एक्स और प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्स के गुणांक तथा अचर में, अचर को इक्वेट करने पर ठीक है, इन सबको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करने पर, तो इक्वेट कैसे करेंगे, तो देखो x का गुणांक क्या है 2a और यहां x का गुणांक p है, तो यहां p a का वैल्यू निकल गया p बटा में 2a। ठीक है, और a b प्लस b बराबर में q, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के बराबर कर दिए, यहां पे a का वैल्यू रख देते हैं P बटा में 2A और ऊपर आपका B है प्लस में B, तो यहां से हमें कैपिटल B का भी वैल्यू निकलेगा, कैपिटल B का भी वैल्यू निकल जाएगा Q माइनस का PB बटा में 2A, PB बटा में 2A। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इस रूप में होगा तो PX प्लस Q यानी कि अंश बराबर में A इंटू हर का डेरिवेटिव, रूट में नहीं, रूट में होगा या नहीं होगा कोई भी फॉर्म होगा इन दोनों में से, हमें ये अंदर दिया है रूट के अंदर दिया हो या रूट के बाहर दिया हो इसी को लेके यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी अगर लेंगे ना तो रूट छोड़ देंगे यहाँ, इसी को लेंगे सिर्फ और प्लस में बी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके ए चर और अचर को इक्वेट करके, चर के गुणांकों को इक्वेट कर करके हम लोग वहां से ए बी सी जो कॉन्सेप्ट है इनके मान निकाल लेंगे। कई क्वेश्चन में सी भी आ सकता है, मतलब अभी तो ए और बी ही आएंगे अगले एक्सरसाइज में, तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट हमें प्राप्त हो रहा है ना ए और बी, इनसे इनका वैल्यू हमने निकाल लिया, इनका मान निकाल लिया, और फिर हमें क्या करना होगा, हमें पुनः क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो पी एक्स प्लस क्यू बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस पी एक्स प्लस क्यू के जगह पर, इस पी एक्स प्लस क्यू के जगह पर डिफरेंशिएट करके जो सेकेंड स्टेप आया था ये वाला, ये जो लिखे थे इसके बाद ये जो सेकेंड स्टेप आया था इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, a इंटू में क्या था 2a x प्लस b, 2a x प्लस b और प्लस में b बटा में a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। ठीक है, अब देखो यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पर a वाले को अलग कर लेंगे 2a x प्लस बी बटा में a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी x के रेस्पेक्ट में, और फिर b को भी बाहर निकाल लेंगे और बच जाएगा 1 बटा में a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब a और b का वैल्यू रख देंगे, तो a का वैल्यू है p बटा में 2a, और इसका देखो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो नीचे वाले फंक्शन का,
नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना, यानी कि सीधे लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर प्लस बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यह रहा क्यू माइनस में पी बी बटा में टू ए, पी बी बटा में टू ए। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, और इनटू में वन बटा में जो आपका है वो रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। अब फिर हम लोग, ये तो यहां से इसका हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। क्या करेंगे, जो हर में जो दिया है इसका गुणनखंड करके, इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके हमें इसे क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, इसी किसी तीनों में से किसी एक फॉर्म पे चेंज करके, और जो शुरू के क्वेश्चन बनाएंगे उसी विधि से हम लोग यहाँ बना देंगे, जो फॉर्मूला लिखा है ना इस एक्सरसाइज में उसी विधि से अब इसे बना देंगे। तो यही दो टाइप के है आपके क्वेश्चन, एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन है, और इन पे जो भी क्वेश्चन आएगा उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, मुख्यतः आपको ये फॉर्मूला तो याद ही रखना होगा कि नीचे कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर है तो इसका हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर मान लो नीचे फंक्शन आपका रूट में हो और उसका, उस रूट को छोड़कर नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो इसका हो जाता है टू रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखोगे, इनका तो प्रयोग करेंगे ही, और बाकी जो हमने छह फॉर्मूले देखे थे उनका भी प्रयोग होने वाला है। तो हमारे आप तीन चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे जाके गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, वहां पे आपको इससे संबंधित नोट्स भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।